हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको मारुति सुजुकी नेक्सा इग्निस का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। और ये नीचे से एक ऊपर यानी कि डेल्टा मॉडल है, सिग्मा मॉडल आती है बेस में, उससे ऊपर वाली मॉडल है। और ये मुझे लगती है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपके काम की सारी चीजें जो हैं, सारे फीचर्स जो हैं, वो आपको मिल जाती है। इसके की बात करें तो इस प्रकार से की मिलती है, लॉक और अनलॉक के बटन जो है वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। बाकी साइड की लुक देखे तो कुछ इस प्रकार से लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ORBM में आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी इसको आपको मैनुअली ORBM जो है वो फोल्ड करना पड़ेगा। बॉडी कलर में ही आपको ORBM मिल जाते हैं। यहाँ पे व्हील कैप भी आपको मिल जाती है। और टायर साइज में आपको दिखाना चाहूंगा, टायर साइज जो है वो आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन की टायर मिल रही है और 1/75/65 R15 की टायर जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी मैं आपको फ्रंट की लुक जो है वो दिखाता हूँ। फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे इसमें डिस्काउंट भी चल रही है। अगर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग वाली लेते हैं तो 25,000 की डिस्काउंट है, और 23 की लेते हैं तो 15,000 की कैश डिस्काउंट है। इस मॉडल के प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस 6,80,000 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलती है। ये इंजन जो है काफ़ी रिलायबल है। आपको स्विफ्ट में मिलेगी, डिजायर में मिलेगी, इग्निस में मिलेगी, और बलेनो में भी यही इंजन सेम आपको देखने को मिलती है, और यहाँ तक कि वेगनार में भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाती है। क्रोम इंसर्ट आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस मॉडल में। बाकी फ्रंट में इसकी प्लेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी बेहतरीन लगती है। फॉग लैंप्स जो है इस मॉडल में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। दो यहाँ पे वाशर जो है वो फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहाँ पे रियर की बात करें तो रियर में आपको स्पॉइलर देखें यहाँ पे, और रियर वाशर वगैरह आपको नहीं मिलते। ऊपर नॉर्मल एंटीना जो है वो दिया गया है। इस तरह के टेल लैंप जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे इग्निस की बैजिंग जो है वो की गई है, और मारुति सुजुकी का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियों में देखे तो अभी पार्किंग सेंसर जो है वो हटा दिए गए हैं, जैसे कि आप टियागो की बात करें तो। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरह से यहाँ से लुक जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये कार मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन लगी, हालांकि इंजन जो है वो भी मैंने बताया कि काफ़ी ट्रस्टेड और अच्छी इंजन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाकी मैं आपको बूट जो है वो दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 260 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और पार्सल ट्रे भी इस मॉडल में आपको दे दिया गया है। बूट लैंप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं नीचे की ओर स्पेयर व्हील, जो कि लगभग सभी गाड़ियों में मिलते हैं। इसकी अच्छी खासी बूट स्पेस है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में 260-270 लीटर की बूट स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत बूट से नहीं होने वाली है। बाकी कार जो है ये कार SUV लुक में आती है, मतलब एक मिनी SUV के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। SUV आजकल इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। दूसरी कार की अगर आप बात करें तो 170-165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होती है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है, और ये फन टू ड्राइव जो है अगर आप करना चाहते हैं तो इस कार से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ डोर देखते हैं। तो डोर की बात करें, डुअल टोन में आपको डोर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर से लॉक और अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक एक तरह से आप कहते हैं, ये आपको मिलती है। ORBM को आप यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी डोर ओपनर आपको क्रोम इंसर्ट में मिलती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे 1 लीटर के बोतल होल्डर मिलते हैं, लंबी सी मैगजीन होल्डर मिलती है, ग्रेप हैंडल भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सीट को आप टू वे एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की कुशनिंग कंफर्ट जो है वो आपको अच्छी लगने वाली है। बहुत चौड़ी सीट है, सीट जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में काफ़ी अच्छी स्पेस है। फुटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर हेडलैम्प से जुड़े कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ बटन्स दिए गए हैं, और AC वेंट्स इस तरह से मिलती है। यहाँ पर भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अंदर में देखें तो इस तरह की स्टेयरिंग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको फोन से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और मोड वगैरह सब दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो
की जो है इधर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी सी रात शाम हो चुकी है तो विजिबिलिटी जो है वो कम मिल रही होगी। बाकी इस तरह से म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप बात करें तो टूडिन वाली म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं, ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टच स्क्रीन वाली सिस्टम कुछ नहीं मिलती है। बाकी एसी के कंट्रोल्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करें यहाँ पर तो। और हैजर्ड लाइट के स्विच यहाँ पे मिलते हैं, एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स मिलता है, टू पार्ट में मिलती है ग्लोब बॉक्स जो कि काफी अच्छी लग रही है। ग्लोब बॉक्स यहाँ पे कुछ कट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। डुअल एयरबैग एबीएस ईबीडी जो है वो आपको सेफ्टी के नाम पे मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ पे केबिन लैंप एक मिल जाता है बीच में और यहाँ पे माइक इंस्टॉल किया गया है। बाकी बात करें तो वैनिटी मिरर यहाँ पे मिलती है और को ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलती है सनमाइजर में। वैनिटी मिरर वगैरह टू कप होल्डर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे मोबाइल स्पेस या मोबाइल होल्डर आप इसे कह सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाती है इधर और ऑक्स के पोर्ट मिल जाते हैं आपको इधर, ऑक्स और यूएसबी के पोर्ट। बाकी गियर लीवर काफी चंकी सा है, छोटा सा है, अच्छा है। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ 1 लीटर के बोतल होल्डर, यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ इंटीरियर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर 1200 सीसी के इंजन की बात करें तो मुझे ये कार जो है काफी बेहतरीन लगती है, क्योंकि 1.2 लीटर की इंजन के साथ अगर आपको 6 लाख के अंदर जो है बेस मॉडल मिलती है इसकी, बात करें तो 5,80,000 में इसकी सिग्मा मॉडल जो है वो मिल जाती है, जिसमें कि अगर आप देखें तो ऑल्टो वगैरह 6 लाख में आते हैं। तो इस कारण मुझे लगता है कि जो ऑल्टो लेते हैं वो थोड़ी सी बजट बढ़ाकर इस कार को ले लें तो काफी बढ़िया है। चलिए रियर के सीट पे चलते हैं। रियर की डोर में भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पीकर के जगह दिए गए हैं लेकिन स्पीकर आपको अपने से इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट के साथ डोर ओपनर जो है वो मिलते हैं। बाकी ये देखें सीट रियर की, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 60-40 के रेशियो में आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखिए नीरूम से कोई भी समस्या नहीं होती, नीरूम काफी अच्छी मिलती है इस कार की अगर आप बात करें तो। हाँ, थोड़ी सी थाई सपोर्ट जो है ये देखें ये कम मिलती है, इधर से भी कट्स लगाए हुए हैं तो ये थोड़ी सी थाई सपोर्ट जो है वो आपको कम मिलती है। बाकी 2 एडल्ट 1 चाइल्ड जो है इस कार में आसानी के साथ बैठ सकते हैं। और अगर रियर से आप फ्रंट की लुक देखें तो इस तरह से लुक जो है वो आपको मिलती है, छोटी सी अच्छी सी बेहतरीन केबिन मुझे लगती है। जो लोग ऑल्टो की टॉप मॉडल खरीदते हैं मुझे लगता है कि इस कार पे जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि छोटी कार छोटी इंजन के साथ आप ले रहे हो। अगर 1.2 लीटर की इस इंजन को अगर आप लेते हो, इस कार को लेते हो, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया। बहुत सारे लोग क्विड खरीदते हैं, क्विड से भी काफी अच्छी ये कार है। जहां तक आप देखें इंजन के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर प्रीमियमनेस के बारे में या फिर सीटिंग कंफर्ट जो है इसकी काफी बेहतरीन है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऑल्टो या फिर आप सेलेरियो या क्विड लेने जा रहे हो तो एक बार इसका बेस मॉडल भी आकर जरूर देख लो। हालांकि ये बेस से एक ऊपर है और ये लगभग 680 के आसपास पड़ती है, लेकिन अगर देख लेते हैं तो आपको काफी अच्छा ये कार लगने वाला है। बाकी आप ये कमेंट में जरूर बताइए ये कार आपको कैसी लगती है और इस कार के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।